हेलो दोस्तों, चलो आज हम आपको ले चलते हैं गोवा की सैर पर। फर्स्ट डे सबसे पहले हम रेडी होके पठानकोट से अमृतसर पहुँचे। अमृतसर पहुँचने के बाद मैंने और शिवांश ने एक पिक ली। पिक लेने के बाद हमें पता चला जो हमारी फ़्लाइट है वो 4 घंटे लेट हो गई है। 4 घंटे हमने वहाँ पे वेट किया और उसके बाद फाइनली हम गोवा पहुँच गए। गोवा पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले एयरपोर्ट से स्कूटी ली। ये स्कूटी हमने पहले ही बुक करवा रखी थी और स्कूटी लेने के बाद हम सीधे अपने होटल पहुंचे और रेस्ट करने के बाद हमने रात को मोरजिम बीच पे डिनर किया। अगले दिन की शुरुआत हमने पिक से की। पिक लेने के बाद हम पहुंचे गेस्ट हाउस, क्योंकि गेस्ट हाउस बीच के पास था। वहाँ पर चेक इन करने के बाद हम बीच की सैर पर निकल पड़े। चलो अब हम आपको भी अपने साथ बीच की सैर पर ले चलें। बीच पर जाते समय रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर गोवा की लोकल मार्केट मिलेगी, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं और यहाँ पर आपको हर तरह के आइटम्स मिल जाएंगे। गोवा में आपको नारियल के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। गोवा में नारियल की इतनी पैदावार होने के बावजूद भी यहाँ पे नारियल आपको नॉर्थ इंडिया के रेट पर ही मिलेगा। बीच पर जाते समय थोड़ा सा कच्चा रास्ता आता है। हम इस कच्चे रास्ते से होते हुए आपको ले जाएंगे एरम्बोल बीच पर। अब हम पहुंच चुके हैं एरम्बोल बीच पर। मैं आपको बता दूं कि इस बीच को रशियन बीच भी कहा जाता है। यहां पर आपको फॉरेनर ज़्यादा देखने को मिलेंगे और क्राउड बहुत कम देखने को मिलेगा और साथ ही यहां पर आपको काफ़ी शांति देखने को मिलेगी। यहां पे आपको छोटी छोटी हट्स देखने को मिलेंगी, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं और यहां पे बैठकर लोग समुंदर की लहरों और सूर्यास्त का खूब नज़ारा देखते हैं। शिवांश ने भी यहाँ पे खूब मस्ती की। पहले तो शिवांश पानी से काफी डर रहा था, पर धीरे धीरे वो भी पानी में खेलने लग गया। चलो अब हम आपको ले चलते हैं सूर्यास्त का आकर्षक नज़ारा देखने की ओर। धीरे धीरे डूबते सूरज के साथ एरम्बोल बीच पर शांति और सुकून का वातावरण छाया हुआ है। ये दृश्य देखने में काफ़ी अद्भुत और सुंदर लग रहा है। अगर आप भी शांति और सुंदरता की खोज में हैं, तो आप भी एरम्बोल बीच पर आएं और जहाँ की शांति और सुंदरता को अपनी आँखों से देखें। यहाँ पे आपको रात का नज़ारा दिन के नज़ारे से भी बेहद खूबसूरत देखने को मिलेगा। यहाँ पे खाने का सारा सिस्टम ओपन में कर रखा होता है और छोटे छोटे टेबल पर नीचे बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है और साथ में आपको यहाँ पे पुराने पुराने सॉन्ग भी सुनने को मिलेंगे। इस बीच पर हमने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया और डिनर करने के बाद हम होटल वापस चले गए। हेलो दोस्तों, आज सुबह उठकर हम सब फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम निकल पड़े चपोड़ा फोर्ट की ओर। चपोड़ा फोर्ट हमारे होटल से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। आज हम आपको चपोड़ा फोर्ट, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, की यात्रा करवाएंगे। चपोड़ा फोर्ट ने अपने समय के साथ कई राजनीतिक परिवर्तनों को देखा है, जहाँ आने वाले लोग न केवल इसके इतिहास को अनुभव करते हैं, बल्कि वह जहाँ के सुंदर दृश्य और शांति भरे वातावरण से भी बहुत प्रभावित होते हैं।
जी चपोरा फोर्ट काफी ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई से आप चपोरा बीच को भी देख सकते हैं, जहां से आपको आसमान की ऊंचाई से अपने चारों ओर का सौंदर्य दिखाई देता है, जो एक दिलचस्प और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करता है। ये फिल्मी दुनिया में भी अपनी खास पहचान बना चुका है। यहाँ पर दिल चाहता है कि सुपरहिट गाने की शूटिंग की गई है, जिस वजह से ये फोर्ट काफी फेमस हो गया था। फोर्ट से आते समय हम काफ़ी थक चुके थे और हमें प्यास भी काफ़ी लगी हुई थी, इसलिए हमने वहां से लेमन सोडा पिया और अपने नेक्स्ट फोर्ट की ओर निकल पड़े, जिसका नाम है अपर एगोडा फोर्ट। फोर्ट पर घूमने के लिए आपको पहले टिकट लेनी पड़ती है, जो पर पर्सन 25 रुपए है। किले में आने के बाद हमने इसके इतिहास के बारे में भी जाना कि कहा जाता है कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो प्राचीन समय से चमक रहा है। कि इस किले का निर्माण 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री संरक्षा और किले की स्वच्छ जल सप्लाई की सुरक्षा करना था। एगुआना का लाइट हाउस 1864 में बनाया गया था। ये एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउसों में से एक है। ये स्थान उन लोगों में बहुत लोकप्रिय है जिन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है। इस किले की ऊंचाई से आपको काफी शानदार समुद्री दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग जहां आते हैं। रात के समय हम बागा बीच पर आ गए। बागा बीच पर रात का दृश्य वास्तव में आकर्षक होता है। रेस्टोरेंट के बाहर छोटी छोटी हट्स बनी हुई है, जो लाइटों के साथ सजाई गई है। ये सब देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। लोग यहाँ पे बैठकर डिनर कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया, उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर किया और साथ में मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे हेड मसाज करवाई। उसके बाद हम अपने होटल वापस चले गए। हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं बोट ट्रिप पर। हम पहुंच चुके हैं बोट पॉइंट। यहां पहुंचकर हमने टिकट ली, जो कि पर पर्सन 350 रुपीज़ थी। उसके बाद हम बोट में बैठ गए। ये सफ़र एक यादगार और रोमांटिक अनुभव है, जिसमें आपको समुन्द्र का नीला पानी, सुंदर आसमान और ताजगी भरी हवा, ये सब मिलकर बनाते हैं एक शानदार माहौल।
बोट यात्रा पर सबसे पहले हमने डॉल्फिन देखी जो समुन्द्र की लहरों के साथ नृत्य कर रही थी। ये दृश्य देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। अब हम एगुआडा सेंट्रल जेल की ओर बढ़ते हैं। ये सेंट्रल जेल ब्रिटिश के समय का है। इसमें क्यामत मूवी का सीन लिया गया है। ये सेंट्रल जेल अंदर से अंडरग्राउंड है। अब इस जेल में कैदी नहीं है। पिछले साल ही यहाँ म्यूजियम खोला गया है। ये है यिमिस डायमंड मर्चेंट पैलेस। ये यिमिस गोवा का डायमंड बिजनेसमैन है। ये उनका प्राइवेट बंगला है और बंगला अंदर से अंडरग्राउंड है और फोर व्हीलर से सीधे सिटिंग रूम तक जाने के लिए है और इसमें हसीना मान जाएगी फिल्म की शूटिंग की गई है। चलो अब हम आपको ले चलते हैं लोअर एगुआडा फोर्ट। यहाँ आपको स्केरियम बीच देखने को मिलेगा। बीच देखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये बीच सफ़ेद रेत और नीले समुंदर के साथ एक आकर्षक दृश्य दर्शाता है। यहाँ के छायादार पेड़ और ताजगी भरी हवा आपको एक शांतिपूर्व अनुभव में डाल देती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा गेट मिलेगा जो कि ताज होटल को जाने का रास्ता है। फोर्ट देखने के बाद हम आगे बागा बीच। यहाँ पे सूर्य अस्त का दृश्य काफ़ी सुंदर दिख रहा था और इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी क्राउड था। लोग मस्ती में झूम रहे थे। फिर हमने यहाँ रात का डिनर किया और होटल वापस चले गए। आज हमने सुबह फैमिली पिक ली और फिर चल पड़े अंजना बीच की ओर। यहाँ का माहौल धीरे धीरे आपको सुकून की ओर ले जाता है। इस बीच का सबसे खास हिस्सा यहाँ के क्लिफ्स हैं, जो समुद्र के किनारे पर बने हैं और सूर्यास्त के समय एक अद्भुत दृश्य दर्शाते हैं। अब हम आ गए हैं कलंगूट बीच। सबसे पहले हमने इस बीच की मार्केट घूमी। यहाँ पर आप कई तरह की हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और कपड़े खरीद सकते हैं। यहाँ की मार्केट में आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी और इस बीच का माहौल आपको काफ़ी उत्साह से भरा हुआ दिखेगा। यहाँ बीच पे आपको कई तरह के सी फूड खाने को मिल जाएंगे। हमने अपना न्यू ईयर बागा बीच में सेलिब्रेट किया क्योंकि यहाँ पर स्वादिष्ट खाना, लाइव डीजे और आतिशबाजियों का नज़ारा बहुत खूबसूरत था।
नॉर्थ गोवा घूमने के बाद चलो अब हम आपको ले चलते हैं साउथ गोवा। जहाँ पहुंचकर हमने रूम लिया और थोड़ी देर रेस्ट की। हमारे रूम के पास ही स्विमिंग पूल भी था और चारों तरफ नारियल के पेड़ दिख रहे थे। अब हम रेडी होकर आ गए कोलवा बीच। इस बीच में भी काफी क्राउड था। गोवा का जे बीच बाकी बीचों के मुकाबले सबसे लंबा बीच है। आपको ले जाएंगे दूध सागर वाटरफॉल की सैर पर, जो कोलवा बीच से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वाटरफॉल पहुंचने से पहले हमने कोलन से जीप ली। जीप का किराया पर पर्सन 500 रुपीज था। 100 रुपीज एंट्री फीस और 40 रुपीज लाइफ जैकेट के दिए। जीप में 7 से ज्यादा लोगों को नहीं बिठाया जाता। कोलन से वाटरफॉल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कोलन से जीप पर ही वाटरफॉल जा सकते हैं, क्योंकि ये जंगली रास्ता है और इस जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, इसलिए आप वाटरफॉल तक अपने व्हीकल पर नहीं जा सकते। अब हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल पर। यहाँ पर आपको घूमने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ लोग बैठकर यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देख रहे थे। यहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का शॉर्ट सीन भी लिया गया है। इसका नाम दूधसागर इसलिए पड़ा क्योंकि जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी धुंध धूप की रेखाओं की भांति चमकती है, जिससे आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे दूध की धारा नीचे गिर रही है। शिवांश ने भी यहाँ खूब इंजॉय किया। पहले तो वो पानी से डर रहा था, फिर धीरे धीरे वो पानी के साथ खेलने लग पड़ा। सागर वाटरफॉल से होटल जाते समय काफी अंधेरा हो गया था। हमने अपने होटल के पास के रिसोर्ट से खाना खाया और होटल वापस चले गए। आज हमारा गोवा में लास्ट डे है। हमने गोवा की लोकल मार्केट से फैमिली के लिए शॉपिंग की और फिर चल पड़े अपने होम टाउन की ओर। इसी
तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।